हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पके आम की चटनी की रेसिपी बना करके दिखाने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप रोटी चावल के साथ भी आराम से खा सकते हैं और इसका स्वाद बिल्कुल खट्टे मीठे के स्वाद के साथ बनाया गया है। तो चलते हैं हम बनाने की ओर। मैं आज आप लोगों के सामने पके आम का मैं चटनी का रेसिपी लेके आ रही हूँ। इसके लिए मैं कुछ पके आम ली हूँ और साथ में लहसुन, अदरक, जीरा और मिर्च का ये पेस्ट है। सबसे पहले इन पके आमों को मैं पानी से धो लूँगी और इनका छिलका मैं उतार लूँगी। सभी आमों को मैंने इस तरह से छील लिया है। अब चलते हैं बनाने की ओर। सबसे पहले मैं गैस में कढ़ाई को चढ़ा लेती हूँ और इसमें मैं सरसों तेल को डाल लेती हूँ। अब तेल को मैं गर्म होने देती हूँ। देखिए गैस, ये तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों के दाने को डाल लेती हूँ, उसे मैं ढक देती हूँ जिससे यह इधर उधर ना छिटक सके। और साथ में मैं लाल मिर्च भी डाल लेती हूँ। इसमें मैं ये बारीक कटा प्याज भी डाल लेती हूँ और इसे मैं हल्का ब्राउन होने देती हूँ। आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ये पिसा वाला मसाले को डाल करके इन मसालों को मैं भून लेती हूँ, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा और खाने में चटनी टेस्टी लगेगा। देखिए गाइस, ये मसाला भून चुका है, मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें ये पके आमों को मैं डाल लूंगी। जिससे इसमें खट्टा मीठा और तीखा तीनों का टेस्ट आएगा। ये चटनी अच्छी तरह से पके और अंदर तक मसाला जाए, इसलिए मैं इसमें ये आधा कटोरा पानी डाल लेती हूँ। और इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। मैं ढक्कन हटा के देख लेती हूँ। देखिए, एक उबाल आ चुका है। इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसका पानी को मैं सुखा लेती हूँ। बीच बीच में मैं ढक्कन हटा इसे मैं चलाते रहूंगी। देखिए, हमारा ये पके आम का चटनी बन करके रेडी हो चुका है। ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये चटनी बनके रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं दूसरे बर्तन पर सर्व कर लेती हूँ। आम की चटनी इस तरह से बनी है। हमारा ये पके आम का चटनी की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।